एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवाल में अब हमारे साथ बात करने के लिए हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश सरकार में ग्रामीण पंचायत मंत्री और इसके साथ साथ श्रम मंत्री भी हैं। मैं बहुत स्वागत करता हूं आपका प्रहलाद पटेल जी। बहुत धन्यवाद आप। और प्रहलाद पटेल जी के पास एक मिशन है, मिशन मध्य प्रदेश में कांग्रेस के किले को ढहाने का। अब मैं जरा जानने की कोशिश ये करूंगा कि उस किले को ढहाने के लिए इन्होंने खुद से कहा था, खुद सर पे वो बांधी थी वो जिम्मेदारी, या आला कमान ने कहा हुआ है। एक ऐसी सीट है, इस चर्चा की शुरुआत में उसी से करूंगा, एमपी की छिंदवाड़ा। ये वो सीट थी जो 2019 में बीजेपी नहीं जीत पाई थी, मार्जिन भले ही घटा लेकिन नहीं निकली थी। इस बार छिंदवाड़ा में प्रहलाद पटेल जी क्या वो किला ढा देंगे? मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं के पास प्रधानमंत्री के 400 प्लस के संकल्प में देने के लिए सिर्फ छिंदवाड़ा ही है, क्योंकि मैं उसी संभाग का कार्यकर्ता भी हूं और 2004 में उस सीट से चुनाव भी मैं कमलनाथ जी के खिलाफ लड़ा हूं। तो जितना मेरा राजनीतिक आकलन होता है, मैं बड़बोलेपन पर विश्वास नहीं करता, लेकिन 2004 तक छिंदवाड़ा में कांग्रेस और कमलनाथ का आतंक था, मैं उसे मैनेजमेंट नहीं मानता। और इस बात को खाली प्रहलाद पटेल कहे से नहीं होता साबित, क्योंकि आरोप बाद में मुझ पर लगे जी। और इसलिए 2004 में छिंदवाड़ा से कांग्रेस और कमलनाथ का आतंक समाप्त हुआ और मेरा पक्का यकीन है कि 2024 है इस बार परिवारवाद समाप्त होगा और छिंदवाड़ा से भारतीय जनता पार्टी का सांसद बनेगा, ये मेरा विश्वास है। एक सवाल आपसे पूछना है, आपसे पहले मुकेश नायक यहाँ आए थे और उन्होंने ये कहा कि बीजेपी ने यह कहा था कि 370 अगर आप एक्स्ट्रा हर बूथ पर वोट डलाते हैं तो अब की बार 370 पार होने से कोई नहीं रोक सकता, 400 पार होने से कोई नहीं रोक सकता। 370 वोट हर बूथ पर अगर पड़े होते तो वोट परसेंट नीचे नहीं आता। एक कहावत है, हिसाब किताब जो कहते हो फिर भी कुनबा डूबा क्यों। 370 वोट जहां पर हम ऑलरेडी 500-600 वोट से जीते हैं, वहाँ तो 300 वोट बचे ही नहीं है। गलती जहाँ पर 90% वोट पड़ जाता है तो 370 हमें कांग्रेस में से वोट लाना है, शायद उनको ये इस बात का अंदाज़ा नहीं है। और मैं सुन रहा था कि वो कह रहे थे कि अरे पता नहीं कौन वोट डाल देते, मैं तो जानता नहीं हूँ। अगर वो सुरेश पचौरी जी को भी नहीं जानते हैं तो फिर मुझे लगता है, मुझे मुकेश भाई की बात पर बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि अब उनको सुरेश पचौरी जी याद नहीं है, बाकी लोग भी याद नहीं है। मुझे लगता है कि राजनीति में तार्किक बातें होनी चाहिए। उनने कहा कि बालाघाट का प्रतिशत 5% घट गया, ये झूठ है। आप निर्वाचन आयोग का आंकड़ा उठाकर देखें, 73.02% पिछली बार था, इस बार 73.45% है, तो कैसे घट गया 5%। आप छिंदवाड़ा की बात कर रहे हैं, छिंदवाड़ा में 79% बोल हुआ है, आप बताइए कि निर्वाचन आयोग का आंकड़ा क्या है। आप कह रहे हो कि साहब मंडला में वोट परसेंट घट गया है, 72% प्लस है, तो मुझे लगता है कि जबलपुर में जरूर वोट परसेंटेज घटा है। आंकड़ों को मत झुटलाइए, ये निर्वाचन आयोग के आंकड़े हैं, उनको लेकर कम से कम हमें सच बोलना चाहिए। हम डिबेट कर रहे हैं, पब्लिक डिबेट है, बाकी लोग सुनेंगे, राज्य सुनेगा, देश सुनेगा, देश के बाहर भी लोग सुनते हैं। तो मुझे लगता है कि जो बात हम कह रहे हैं वो तथ्यात्मक होनी चाहिए, तब जाकर वो असर करती है। निराशा है कांग्रेस में, लेकिन निराशा का ये मतलब नहीं है कि हम तथ्यों को झूठ गलत तरीके से पेश करने लगे। 29 में से अब की बार कितनी सर? 400 के लक्ष्य में मध्य प्रदेश का योगदान सिर्फ एक सीट का है, 14 में हम 27, 19 में 28, 24 में 29, ये लक्ष्य है हमारा। सर बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवाल का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद।